कल यानी कि 26 अप्रैल को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 27 अप्रैल को रायपुर में शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में 0 से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। चिकित्सालय के कौमार भृत्य बाल रोग विभाग में सवेरे 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसका सेवन कराया जाता है। यह औषधि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, श्वसन संबंधी एवं अन्य रोगों से रक्षा करने के लिए, साथ ही साथ एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करती है। शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की आगामी पुण्य नक्षत्र तिथियों में 27 अप्रैल, 28 मई, 20 जून, 18 जुलाई, 14 अगस्त, 10 सितंबर, 7 अक्टूबर, 4 नवंबर, 1 दिसंबर और 29 दिसंबर को बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। हम लोग आज ही आए हैं, पहली बार इसका स्वर्ण प्राशन कराया हमने और इससे लाभ ये होता है कि इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चे की स्ट्रॉन्ग होती है और ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, हर किसी को कराना चाहिए और आयुर्वेदिक कॉलेज में हर महीने होता है पुष्प नक्षत्र को, तो आना चाहिए करवाने के लिए। कैसे पता चला कि मैं यहीं की स्टूडेंट हूँ आयुर्वेदिक, तो इसलिए रायपुर से ही जी परिचय। मैं तृप्ति शर्मा, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। स्वर्ण प्राशन योजना से बच्चे का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और उसका जो IQ लेवल, उसके लिए जो बच्चा अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं देता उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और स्वर्ण प्राशन अभी काफ़ी 4 साल से काफ़ी प्रचलन में आया है, जो अभी इसका फर्स्ट टाइम है। ये बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए संज्ञा स्थापन द्रव्य के रूप में इसका स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। और जो बच्चे अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, जो मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है स्वर्ण प्राशन। और हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 4 साल से ये चल रहा है, जब पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। यहाँ काफ़ी 200-250 लोग आते हैं, 3 बजे तक चलता है शाम के पुष्य नक्षत्र के दिन, और काफ़ी अच्छा है बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए। और जो बच्चे अगर उनका वीकनेस है, अगर मेंटली वीक है, फिजिकली वीक है, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है स्वर्ण प्राशन। मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंह ध्रुव है, मैं यहाँ इंटर्न कर रहा हूँ, इंटर्नशिप। हाँ, मैं जब से मुझे पता चला यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज में रायपुर की स्वर्ण प्राशन, जैसे मतलब बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, मतलब ये अच्छी चीज़ है। और मैं कुछ महीने से यहाँ अपने दोनों बच्चों को लेके आ रहा हूँ, करीब 6 महीने से। हाँ, इसमें कुछ अपने को फ़ायदा समझ में आ रहा है कि कुछ लाभ बच्चों को मिल रहा है, तो ज़रूरी था, मतलब रायपुर से आ रहा था। मेरा नाम सतीश सोनी है। स्वर्ण प्राशन शब्दों से ही स्पष्ट है कि स्वर्ण प्लस प्राशन, स्वर्ण आप नॉर्मल हमारे भाषा में जहाँ सोना बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं, इसमें स्पेसिफिक हम क्या है, बच्चों को जो सोने का पान कराते हैं, प्राशन मतलब उसको देना बच्चों को। तो आप जब हम देखते हैं कि पूर्व जन्मों में भी पहले क्या करते थे, बच्चे जैसे होते थे उनके दादा दादी नाना लोग, उनको एक छोटे से स्वर्ण का यहाँ पे टिका या फिर छोटा सा उनका ब्रेसलेट जैसे पहनाते थे। उसका क्या है, विशेष पूर्व हमारे संहिताओं में हमारे जो आचार्य ने गोल्ड है, जो भस्म है, उसका विशेष महत्वपूर्ण योगदान बताया है बच्चों के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। जैसे आप जानते हैं पहले चांदी का एक कड़ा पहना जाता था, उसमें क्या है, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी माइक्रोबल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे ही हमारा स्वर्ण भस्म है। स्वर्ण भस्म क्या होती है, स्वर्ण प्लस प्राशन, स्वर्ण का पान कराना, इसमें हम घी और शहद मिलाते हैं, कुछ मेद्य रसायन मिलाते हैं, जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जी पुष्प नक्षत्र में जो आप पूछ रहे हैं, पुष्प नक्षत्र में क्या होती हैं, एक स्पेसिफिक क्या है बताया गया है, जब आप उसको स्टडी करेंगे तो पुष्प नक्षत्र में हमारे जितने भी ड्रग हैं, हमारा औषधि जितने भी हर्बल ड्रग्स हैं या कोई मेटल ड्रग हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है, उसकी प्रॉपर्टी है, जो सूर्य किरणें कुछ ऐसी किरण आती हैं जिसमें स्वर्ण भस्म का विशेष उसका योगदान होता है, उसकी प्रॉपर्टी उसका जो महत्वपूर्ण है उसका जो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ये पुष्प नक्षत्र खुद में ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है जो हिंदू हमारे नववर्ष के अनुसार उसको एक अच्छा पर्व माना जाता है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इस स्वर्णपान संबंधित बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, उसकी टॉक्सिकोलॉजी पे, उसके इम्यूनोलॉजिकल पे, उसकी इम्यूनिटी पे, और उसके हम जो डेली जो आ रहे हैं, पहले माता पिता जो हमारे सामने कंप्लेन करते थे कि हमारा बच्चा रिकरेंट कफ कोल्ड से प्रभावित हो जा रहा है, कुछ माता पिता ये बोलते थे कि हमारा बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, कुछ बात माता पिता ये बोलते थे कि हमारे यहाँ बच्चों का प्रॉपर इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है, ऐसे माता पिता। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों का आईक्यू टेस्ट करते हैं कि बच्चे की दिमाग की क्षमता कितनी है, हम उसका टेस्ट करते हैं। और ये सारे टेस्ट हुए हैं, ये सारे जो भी बच्चे माता पिता जो पेरेंट्स थे जो भी जिनका भी कंप्लेन था वो अभी लगभग 95% अभी का कंप्लेन वो सब्साइड हो गया है, वो मतलब वो बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं। शासकीय संस्थाओं में अभी सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमारे दूसरा एक संस्थान है बिलासपुर में, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, वहाँ भी स्टार्ट किया गया है। अन्य जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो कुछ कुछ हैं जो अपने यहाँ सभी अन्य अन्य जिलों में अपने अनुसार वो स्वर्णपान कार्यक्रम चला रहे हैं। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि सभी जो छत्तीसगढ़ के हमारे लगभग 25,000 जनसंख्या बच्चे हैं जिनका उम्र स्पेसिफिक जो 5 साल से कम है, वो सभी को स्वर्णपान कराना है, उनके स्वास्थ्य को वर्धन करना है, उनको सर्वांगीण विकास करना है, ताकि देश के भविष्य के राज्य के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि उनके स्वास्थ्य की हमको सुरक्षा करना है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख समस्या ये है कुपोषण है, तो कुपोषण से भी बच्चों को स्वस्थ रखना है इस स्वर्णपान के बेस पे। ये हमारे यहाँ जुलाई 2022 से चल रहा है जी, और ये चलता ही रहेगा। हमारा ये जो कार्यक्रम है हमारा प्रत्येक पुष्प नक्षत्र में जब तक है, ये जब तक हमारी सरकार हमको अनुमति प्रदान करती है तब तक प्रत्येक पुष्प नक्षत्र में प्रति माह हम इसको स्वर्णपान कराया जाएगा। जी परिचय, मैं डॉक्टर लोकेश चंद्रवंशी व्याख्याता कुमार भित्त, वर्तमान में स्वर्णपान का मैं समन्वयक मैं ही हूँ, इसका देखरेख मैं ही कर रहा हूँ सर।